नई किताबें नया घर। इंदौर की भारती खांडेकर के लिए ये सब कुछ किसी सपने के जैसा है। हालांकि भारती ने कभी सोचा नहीं था कि ये सपना उनके 10वीं क्लास के रिजल्ट के जरिए पूरा होगा। दरअसल अपने परिवार के साथ इंदौर के शिवाजी मार्केट में भारती फुटपाथ पर रहा करती थी। भारती के पिता मजदूरी करते हैं और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती हैं। परिवार की कमाई इतनी भी नहीं थी कि कहीं कमरा लेकर रह सकें। फुटपाथ किनारे ही पहले एक झोपड़ी थी जिसे प्रशासन ने हटा दिया था। इसके बाद फुटपाथ ही भारती के परिवार का ठिकाना बन गया। वहीं रहकर उन्होंने पूरी लगन के साथ स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़ाई की और 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। भारती के 68% नंबर आए हैं। भारती की इस सफलता की पूरे इंदौर में चर्चा है और अब नगर निगम ने भारती को एक बड़ा तोहफा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत भूरी टेकरी में बना फ्लैट नंबर 307 भारती के परिवार को दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने भारती को किताबें और ड्रेस भी गिफ्ट में दी हैं। भारती नगर निगम का ये गिफ्ट पाकर काफी खुश हैं। आगे चलकर वो आईएएस बनना चाहती हैं। सबसे ज्यादा तो मैं अपने मम्मी पापा को अपने सफलता का श्रेय देना चाहूंगी, जिन्होंने आज कड़ी मेहनत करके मुझे ऐसे माहौल में भी पढ़ाया। आज मैंने फुटपाथ पे पढ़ाई करके इतना बड़ा गौरव, मुझे इतना बड़ा नाम रोशन करा मैंने, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और अपने मम्मी पापा की ऐसी ख्वाहिश पूरी करूंगी और मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का, जो मैं अब पहले मैंने कम मेहनत की थी पर अब जब गौरव हासिल मिला, मतलब बहुत रोशन हुआ नाम, तो अब मेरे को इतनी खुशी हो रही कि मैं जितनी पढ़ाई की थी उससे कहीं ज़्यादा पढ़ाई करूँ और जितने नंबर लाए थे उससे भी ज़्यादा नंबर लाऊं। कमिश्नर मैडम को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, माननीय कमिश्नर मैडम, माननीय कलेक्टर महोदय, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने आज मुझे घर दिया और मेरी पूरा फ्री और मेरी पढ़ाई भी मुफ्त करवा दी। बिना किसी सुख सुविधा और संसाधनों के भारती ने 68% नंबर हासिल किए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब फ्लैट मिल जाने के बाद जिंदगी में आए सकारात्मक बदलाव का असर भारती की आगे की पढ़ाई पर भी पड़ेगा और प्रशासन का सहयोग उन्हें आगे भी यूं ही मिलता रहेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।